आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो क्या है कि बीजीय व्यंजक का मान निकालना। अच्छा, अब बीजीय व्यंजक का मान निकालने का मतलब क्या है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक है। अब आपको पता है बीजीय व्यंजक में एक चर भी होगा, अचर भी होगा और एक संख्यात्मक गुणांक भी होगा, है ना? ये हमने देख लिया है। अब बीजीय व्यंजक को मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रखते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि मान लीजिए मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, मैंने बोला 3y-7। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है। अगर मैं बोलूं इसमें अचर क्या है तो आप क्या बोलोगे? अचर क्या है यहाँ पर? 7 है। चर पूछू तो चर बोलोगे मैम वाई है। मैंने पूछा संख्यात्मक गुणांक क्या है यहाँ पर? संख्यात्मक गुणांक वाई का है ना, तो आप क्या कहोगे? मैम 3 है। मैंने पूछा पद कितने हैं बेटा, तो आप क्या कहोगे? मैम 2 है। ठीक है, तो किसी भी बीजीय व्यंजक को देखकर आपके माइंड में बेटा जल्दी से स्टिक करना चाहिए, टाइप ऐसे एकदम से क्विकली आना चाहिए कि इसमें अचर क्या है, चर क्या है, संख्यात्मक गुणांक क्या है, पद क्या है ना, ये चीजें आनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, यूज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब वो कहता है इस बीजीय व्यंजक का मान निकालिए कब। अब इस बीजीय व्यंजक का मानना बेटा डिपेंड किस पे करेगा? चर पर। चर क्या है यहाँ पर? वाई है। अगर मैंने वाई का मान यहाँ 3 रखा, मैंने बोला वाई के मान 3 पर इस बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? जहां पर वाई है उसकी जगह पर 3 रख दोगे। तो वाई की जगह 3 रखा, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। तो 3 × 3 − 7, 3 × 9, 9 − 7, 9 में से 7 गए 2, तो आंसर क्या आ गया? 2। यानी कि जब मैंने y का मान 3 रखा तो बीजीय व्यंजक का मान 2 आया। समझ आया? जब मैंने y का मान 3 रखा तो बीजीय व्यंजक का मान कितना आ गया? 2 आ गया। चलो, अगर इसी बीजीय व्यंजक में, अगर मेरे पास मान लो यही बीजीय व्यंजक है 3y − 7, ठीक है, मुझे इसमें इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना है जब y का मान 4 हो। चलो बताओ, जरा सॉल्व करो और नोटबुक दिखाओ। y का मान 4 हो तब इस बीजीय व्यंजक का मान क्या होगा? रखिए, और जिसको नहीं समझ आया बेटा बता देना, जिसको नहीं समझ आया हो वो भी मुझे बता देना। मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बताना कैसे करना है। बेटा देखो, कोई भी बीजीय व्यंजक गिवन है, ठीक है, आपको दिया हुआ है 3y − 7। ठीक है, उसने बोला y का मान आपको 3 रखना है, तो जहां पर y होगा उसकी जगह पर आपने 3 रख दिया। अब 3 का मतलब क्या? 3 × 3 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। तो आपने 3 × 3 किया, 9 आ गया, 9 − 7, 2 आ गया, तो आपने बीजीय व्यंजक का मान निकाला। ठीक है, ठीक है। संदीप शर्मा की आईडी से बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखाओ, सबका चाहिए मुझे आंसर। ठीक है, झांगरा गर्ल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है बेटा, 3y − 7, मैंने बोला y का मान 4 रखना, तो आप क्या करोगे? 3 लिखोगे, ब्रैकेट y कितना है? 4 माइनस 7, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 3 × 4। तो हमेशा याद रखो बेटा कि संख्यात्मक गुणांक के साथ हमेशा गुना ही होगा। माइनस 7, 4 × 3 = 12, 12 में से 7 गए, कितना आएगा? 12 में से 7 गए 5, तो आंसर कितना आ गया? 5। तो जब मैंने y का मान 4 रखा तो बीजीय व्यंजक का मान कितना आया? 5 आया। बीजीय व्यंजक का मान कितना आया? 5 आया। अभी बताओ, किसी को अभी भी डाउट है? किसी बच्चे को अभी भी डाउट? हाँ बोलो बोलो बेटा। क्लियर हुआ सबको? चलो एक और लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं। ठीक है, एक और लेती हूं मैं। मान लो मेरे पास एक संख्या है 3 − 4x² 2। ठीक है, 3 − 4x² 2। अगर मैं बोलूं x का मान आप
दो रखो और इस बीजीय व्यंजक का मान निकालो। क्या करोगे क्या करोगे आप, जहां पर एक्स है उसकी जगह पे क्या रख दोगे, उसकी जगह पे आप रखोगे दो। तो मैंने यहाँ पहले 3 लिखा, -4, 4 और एक्स का क्या है की जगह पे 2 रखा और एक्स की घात 2 है, तो बेटा 2 भी लिख देना। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया घात सॉल्व होगी, हमेशा घात सॉल्व करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 कर दिया। 3 माइनस 4 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, 2 दुनी 4 आ गया। अब ब्रैकेट का मतलब भी गुना होता है, तो 4 गुना 4 ठीक है, कितना आया 3 माइनस 16 ठीक है। 3 में से 16 तो जा नहीं सकते, 16 में से 3 जाएंगे कितना आएगा 13। बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, 16 का साइन क्या है माइनस, तो -13 आंसर आपका आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो? बेटा नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो फिर मुझे इसी क्वेश्चन में बताओ, जरा इस क्वेश्चन में ही मुझे बताओ, मतलब इसी बीजीय व्यंजक का आपको करना है ठीक है, जब x का मान 1 हो। चलो अभी आंसर बताओ, कॉपियां दिखाना, x का मान 1 रखना है ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक के, 3 माइनस 4 x की घात 2 और आपको x का मान 1 रखना है। कॉपियां दिखाते जाना और चैट सेक्शन में भी अपने आंसर लिख देना। क्वेश्चन समझ आया ना सभी को? चलो बताओ जरा, बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा जब x का मान 1 हो? संदीप शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। बट साइन का थोड़ा देखो, साइन क्या आएगा थोड़ा उस पर ध्यान दो। झांगरा गर्ल की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर रमेश की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। बच्चों बस ना थोड़ा ध्यान यहाँ पर ये रखना कि जब आप सॉल्व करने के बाद एंड पॉइंट पे आ जाते हो तो साइन का ध्यान रखना, जो बड़ा नंबर होता है ना उसका साइन आता है, और ये भी ध्यान रखना प्लस होगा या माइनस होगा। ब्रजेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड। अन्नू कालिया की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी दिखाओ जल्दी जल्दी, सबका चाहिए मुझे आंसर। शर्मा जी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी। प्रीति झांगरा की आईडी से, बेटा -4 नहीं आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, चेक करो। कुलदीप की आईडी से, वेरी गुड बच्चे। बेटा -1 आएगा, -1, हाँ 4 नहीं आएगा, -1 आएगा ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझे बताना ठीक है। मैंने दिया था बेटा 3 माइनस 4 x की घात 2 ठीक है, और मैंने बोला था आप रखो x का मान 1 ठीक है। तो आपने क्या किया, 3 माइनस 4 x की जगह 1 रखा और उसकी घात 2। सबसे पहले घात सॉल्व होती है, बोर्ड मास याद है ना, वही यूज होगा ठीक है। 1 गुना 1 एक ही होगा, 4 का गुना 1 से करेंगे, 4 एकम 4 होता है, तो माइनस का बाहर ही है। 3 में से 4 जा नहीं सकता है, 4 में से 3 गया, 1 आएगा। बड़ा नंबर क्या है, 4 है, 4 का साइन माइनस है, तो -1 आपका आंसर हो गया ठीक है। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया था। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, यस और नो? छोटा सा भी डाउट है बता दो, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर पोल में पूछूंगी, बताओ जल्दी जल्दी। सबको क्लियर है ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मेरे पास बीजीय व्यंजक है y की घात 3 प्लस 3 y की घात 2 प्लस 4 y माइनस 2 ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको क्या रखना है, y का मान -1 रखना है ठीक है, y का मान -1 रखना है। तो रखते हुए ध्यान रखना जहां जहां y है वहां वहां पर -1 रखना है ठीक है। चलो करिए जरा कॉपी में और मुझे आंसर भी बताइए। -1 की घात 3 हो जाएगा ठीक है, फिर 3, फिर y की घात 2 है यानी कि -1 की घात 2 प्लस 4, फिर y है यानी कि -1 -2। यहां पर प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है ठीक है। देखो
माइनस एक की घात तीन, याद करो माइनस एक की घात तीन का मतलब क्या हुआ, माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक, है ना। और आपने पढ़ा है कि अगर नेगेटिव नंबर हो और ऊपर ऑड है, उसकी घात एक विषम संख्या है, तो साइन माइनस का ही आता है, और एक को तो कितनी बार भी गुना करो एक ही आएगा, तो यानी कि माइनस एक हो गया। प्लस का साइन, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड सुनील की आईडी से जो बच्चे, वेरी वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर तीन का तीन लिखा, गुना में माइनस एक की घात दो, यानी कि माइनस एक गुना माइनस एक। और आपने पता है अगर माइनस में घात वर्ग होता है, किसी माइनस की संख्या का वर्ग क्या होता है, प्लस ही होता है, या सम संख्या और माइनस में है तो भी प्लस होगा, तो एक हो गया। प्लस में आपके पास एक चार है, गुना में माइनस एक, तो किसी भी संख्या को माइनस एक से, यानी कि किसी भी संख्या को माइनस वाली संख्या से गुना किया जाता है, तो वो संख्या माइनस में हो जाती है। माइनस एक प्लस में तीन, प्लस में यहां से कितना हो जाएगा, माइनस चार और माइनस दो। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे सारे मिल गए, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास है एक प्लस का है, एक माइनस का है ना। तो माइनस एक और तीन, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन बड़े वाले नंबर का तो दो आ गया, माइनस चार माइनस दो। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, माइनस माइनस एक जैसे साइन होते हैं तो जुड़ जाता है, माइनस चार छः और ये दो है। ठीक है, यानी कि माइनस चार आपका आंसर आ गया, छह में से दो गए चार और बड़ा नंबर छ है, उसका साइन आ गया, यानी कि माइनस चार आ गया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यहाँ पर बेटा साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके तीन चार रूल यूज हो रहे हैं। अगर कोई संख्या माइनस में है, ऋणात्मक है, और उसका घात विषम संख्या है, तो हमेशा माइनस का आता है ना। और अगर सम संख्या, अगर एक घात सम संख्या है और माइनस का है अंदर नंबर, तो भी हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, बस उतनी बार हम उस संख्या को गुना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर याद करो, पूर्णांकों का जमा घटा गुना भाग, एक जैसे साइन वाले नंबर जुड़ जाते हैं, बड़े वाले नंबर का साइन आ जाते हैं, अलग अलग वाले साइन घट जाते हैं, बड़े वाले नंबर का साइन आ जाता है। क्लियर हुआ है? यस और मुझे एक क्वेश्चन फिर पूछने हैं। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये दो माइनस चार माइनस दो जरूर बताने मैम। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ से मैंने क्या किया बेटा, यहाँ से दोनों चीज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से आप माइनस दो माइनस चार को पहले ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं दो में से चार तो घटाने, चार में से दो गए कितना आएगा, दो आएगा, है ना। और बड़ा ना बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो बोर्ड मास क्या है, बी बोर्ड मास, है ना। पहले एड कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसे भी यूज करूंगी तब भी मेरा वही आएगा। मैंने यहाँ पर किया एडिशन, एडिशन मतलब यहाँ पर मैंने इन दोनों को पहले किया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, तीन में से एक गया, दो आया, है ना, और तीन पॉजिटिव था, यहाँ पर मैंने प्लस दो लिख दिया, माइनस चार माइनस दो। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए मैंने माइनस प्लस का छह कर दिया, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर चार माइनस का है। ठीक है, अब छह में से दो गया चार आ गया और बड़ा नंबर छह है माइनस का, इसलिए माइनस चार आ गया। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? जब यहाँ पर बच्चे इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पर आपके ना सारे माइनस वाली चीजें यूज हो रही हैं, जितने हमने अभी तक पढ़ी थी, घात वाला पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था, सब वही यूज हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रख के करना। अभी क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है, क्वेश्चन पूछू? चलो फिर देना स्टार्ट करो, सब यस यस कर रहे हो तो। पहला नंबर क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है, और कहां देना है, पोल में। आपके पास है दो वाई प्लस सात, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और आप पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना बेटा। ठीक है, पहले कॉपी में कर लेना, ये बीजीय व्यंजक है और आपको y का मान तीन रखना है, तो इस बीजीय व्यंजक का मान क्या हैगा ये आपको बताना है। ठीक है, y की जगह पे तीन रखो और फिर सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आएगा, और फिर कहां आंसर करना है, पोल में।
डन मैम। गुड बेटे, ध्यान से करो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है। y की जगह पे आपको 3 रखना है और उसको सॉल्व कर देना है, जो जो साइन है उस हिसाब से सॉल्व कर दो। वेरी गुड बेटा, बीच में जो भी साइन है, चिन्ह है या संक्रियाएं है, जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, या प्लस माइनस हो रहा है जो भी देख के। गुड बेटा, गुड। सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। कॉपी में करो, उसके बाद पोल में करो। गुड बेटा, वेरी गुड मैम। हाँ बेटा, पोल नहीं चल रहा है मेरा। आपका पोल नहीं चल रहा? दूसरे फोन से लॉग इन हो क्या? नो मैम, फिर क्यों नहीं चल रहा? सबका चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी फिर आप चैट में दे देना, उसके बाद ना एक बार लीव करके ज्वाइन करना। सुनील पुनिया की आईडी से बेटा बंद करो कैमरा, कैमरा बंद करो पहले आप। अब नहीं मैम, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही थी। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, क्लास के दौरान नहीं, क्लास के बाद। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है तो क्लास के बाद। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे हमारी क्लास में है, मुझे सबका आंसर चाहिए। और आंसर अभी कोई नहीं दिखाएगा, जब मैं पोल बंद कर दूंगी तब मुझे आंसर दिखाइएगा। बेटा ध्यान से करो, y की जगह पर आप क्या रखोगे? जो y का मान है, ठीक है? जैसे y का मान मुझे 3 रखना है, तो आप बीजीय व्यंजक में y की जगह पर 3 रखोगे, और इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो संख्यात्मक गुणांक 2 है उससे 3 को गुणा करोगे और फिर जो है उसको सॉल्व करोगे, ठीक है? चलो करिए जल्दी से, सभी 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है? देखो बिल्कुल सिंपल था और मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है। जो मेरे एक दो बच्चों ने गलत किया है बेटा, देखो हमेशा याद रखो, जिस संख्या के साथ में वाई एक्स वाई चेक, यानी कि ये जो चर होगा ना, जिस भी संख्या के साथ में होगा, ठीक है, उस संख्या से वो गुना होता है, हमेशा याद रखो। तो y की तरह 3 रखा है, यानी कि y का 2 से गुना होगा। प्लस में 7 है, तो 6 प्लस 7 कितना होता है? 13 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी। मेरे दो बच्चों ने 27, मेरा सही है। मेरे दो बच्चों ने 27 किया था, क्यों मुझे बता दो? डाउट है क्या? शर्मा की आईडी, शर्मा जी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। संदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। वेरी गुड सुनील पुनिया की आईडी से, वेरी गुड। ठीक है चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा 8 - 3x2। 8 - 3x2, ये विजय व्यंजक है और यहाँ पर आपको x का मान जो रखना है वो 2 रखना है, ठीक है? तो x की घात 2 भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना, और माइनस भी है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो करना स्टार्ट कीजिए, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। विजय व्यंजक का मान निकालना है आपको, 8 - 3x2, और x का मान आप 2 रखोगे, यानी कि x 2 की घात 2 है। पहले आप उसे सॉल्व करोगे, फिर गुना करोगे 3 से, फिर उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, ठीक है? आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में। इस बीजे व्यंजक का मान निकालना है मैम। गुड, जिनका हो गया वेरी गुड बेटा, और थोड़ा ध्यान से कीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से, ठीक है? जल्दबाजी की रेस नहीं है ये मैम। गुड बेटा, गुड मैम, गुड मैम, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं आराम से कीजिए कॉपी में और फिर पोल में, जल्दबाजी की रेस नहीं है, आप आराम से ट्राई करो। आठ माइनस
तीन एक्स की घात दो, ठीक है, ये आपका बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ पर x के जगह पे आपको दो रखना है, फिर आपको मैंने बताया हमेशा पहले घात सॉल्व करते हैं, फिर गुना करोगे, फिर जो और ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं, जमा घटा वगैरह, वो सॉल्व करते हैं। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, बड़ा नंबर का साइन आता है, उस साइन पे भी ध्यान रखना है, हमेशा पूर्णांकों में साइन पर ध्यान रखना होता है। गुड, वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी कई बच्चे रुके हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, ताकि अगर बेटा देखो सही होगा तो कॉन्फिडेंट आएगा, गलत होगा तो कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कहां आपने गलती की और वो आगे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सभी आंसर करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। जो मेरे एक दो बच्चे अभी बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो आप भी। पांच सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। पांच सेकेंड, पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। चलो देखो, सिंपल था और सबने बिल्कुल करेक्ट किया, बस एक बच्चे ने गलती किया, वो भी जल्दबाजी में, ठीक है। आठ माइनस तीन, अब x की दो रखा, उसकी घात दो है, तो आपको पता है सबसे पहले हम घात सॉल्व करते हैं, तो तीन गुना में दो दुनी चार, क्योंकि दो गुना दो, दो की घात दो का मतलब क्या होता है, दो की दो को दो बार गुना करना, यानी कि चार, चार तिया बारह, बारह में से आठ गए चार आएगा, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ पर 12 है और उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस 4 आएगा। सो मेरे ऑलमोस्ट सभी ने सही किया था, बस एक बच्चे ने गलत किया था, जिसने सबसे पहले गलत आंसर किया था, तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। हाँ, संदीप की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हुए हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन को करते हुए हमेशा ध्यान क्या रखना है, साइन क्या आएगा। सुनील पुनिया की आईडी से, बेटा माइनस का साइन आएगा इसमें, ठीक है। हाँ, अभी एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। अभी ध्यान क्या रखना है, कभी भी बेटा घात होती है, ठीक है, तो हमेशा पहले घात सॉल्व होती है, और मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी ऋणात्मक नंबर है और उसकी घात हमें अगर सम संख्या है तो आंसर हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर ऋणात्मक संख्या है लेकिन एक विषम संख्या की घात है तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा, मतलब उतनी बार वो नंबर गुना हो जाएगा और माइनस में आता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, थोड़ा ध्यान से करना है, पहले कॉपी में फिर पोल में, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, दो माइनस पांच जेड माइनस पांच जेड की घात तीन, ठीक है, और यहां पर जेड का जो मान है वो रखना है आपको माइनस एक, ठीक है, क्या रखना है, माइनस एक। चलो पहले कहां करोगे, कॉपी में आराम से कर लो और उसके बाद पोल में, ठीक है। चलिए, इस बीजीय व्यंजक का आपको मान निकालना है, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है वो सब ध्यान जरूर रखना है और उसके बाद आंसर करना है। तो
जेड की जगह पे माइनस एक रखना है और माइनस एक की घात तीन, फिर वो देखो, फिर पूरा माइनस वहां भी होगा और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा वो देखो, है ना। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान से करोगे एक स्टेप बाय स्टेप गलती नहीं होगी। वेरी गुड, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। सिंपल, आपको क्या करना है, पांच की जगह पे यहाँ पर जेड की जगह पे माइनस एक माइनस ब्रैकेट माइनस एक की घात तीन, ठीक है। अब आप देखो पांच की गुना जब आप माइनस एक से करोगे माइनस पांच बन जाएगा और एक भार भी माइनस है, और माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो क्या होता है वो लिखो। सेम इधर बेटा, माइनस एक की घात तीन मतलब क्या होगा, ऋणात्मक, मतलब क्या है यहाँ पर एक विषम घात है, विषम घात है और नीचे ऋणात्मक संख्या है, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस एक ही आएगा। माइनस एक की गुना पांच से कर दो माइनस पांच आ जाएगा, फिर माइनस पांच और बाहर भी माइनस है, माइनस की गुना माइनस से करोगे क्या साइन आएगा वो लिखो, फिर जो जो आपके फाइनल आंसर नंबर आए और उनके बीच में जो जो साइन आए हैं उनको सॉल्व कर दो, ठीक है। मैंने काफी बड़ा हिंट दे दिया बेटा, ध्यान से करो, आराम से करो, हो जाएगा मैम। वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर चाहिए बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से करो, कर लोगे आप। वेरी गुड, सभी करेंगे यार, सबका आंसर चाहिए मुझे। सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, ठीक है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, 5 4 3 2 1 0। होल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। चलिए अब ठीक है, देखो इसमें ना काफी बच्चों ने बहुत वेरिएशन में आंसर किया, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना था बेटा। देखो मैंने यहाँ लिखा दो, अब माइनस का साइन लगाया, पांच की गुना जब हम माइनस एक से करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस पांच, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस पांच, क्योंकि बाहर एक पहले माइनस था ना इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ भी माइनस था, माइनस एक की घात तीन का मतलब क्या हुआ, माइनस एक ही आएगा, पांच की गुना माइनस एक से कर दो क्योंकि माइनस एक ही आएगा ना, ए माइनस एक की घात तीन का मतलब माइनस एक ही आएगा, दो। अब माइनस के गुना माइनस से करते हैं तो साइन कौन सा आता है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो बेटा प्लस का साइन आता है, तो प्लस पांच आ गया, माइनस ब्रैकेट में माइनस पांच, क्योंकि पांच की गुना माइनस एक से करेंगे माइनस पांच, फिर वही माइनस की गुना माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मेरा क्या होता है बेटा, गुना होता है, तो दो प्लस पांच प्लस पांच, ठीक है। अब देख लो तीनों प्लस प्लस के हैं, जोड़ दो 12 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है।